सवाल ये है कि आदित्य एल1 को भेजने का मकसद क्या है? आदित्य एल1 वहां जाकर आखिर करेगा क्या? एल1 पॉइंट पर तैनात होने के बाद आदित्य एल1 सूर्य के अल्ट्रा वायलेट बैंड की स्टडी करेगा, अंतरिक्ष में और सूरज के पास सौर घटनाओं का परीक्षण भी करेगा, क्योंकि ये एल1 पॉइंट पर चक्कर लगाता रहेगा, इसलिए आदित्य एल1 सौर पवन का कई दिशाओं से अध्ययन कर पाएगा। इसके अलावा आदित्य एल1 सौर मंडल के ऊपरी वातावरण का भी अध्ययन करेगा। आदित्य एल1 सूरज की सतह पर फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की भी जानकारी जुटाएगा। वो सूर्य के बाहरी परत की विस्तार से स्टडी भी करेगा। आदित्य एल1 का एक मकसद सूरज की वजह से स्पेस में मौसम में बदलावों की वजहों का पता लगाना भी है, और आदित्य एल1 स्पेस में सौर आंधियों और चुंबकीय क्षेत्र की भी स्टडी करेगा। इधर भारत मिशन सूर्य भेजने वाला है, उधर पाकिस्तान की जनता अभी भी भारत के मिशन मून की कामयाबी से मिले सदमे से उबर नहीं पाई है। अभी भी पाकिस्तान में भारत के मिशन मून यानी चंद्रयान 3 की ही बात हो रही है, चर्चा हो रही है। पाकिस्तानियों को इस बात का अफसोस है कि भारत इतनी तरक्की कर गया और वो पीछे रह गए। एक शख्स तो ये कहता नजर आया कि भारत तरक्की कर रहा है जबकि पाकिस्तान रिवर्स गियर में चल रहा है। पाकिस्तानियों का तो ये भी मानना है कि भारत में विज्ञान और वैज्ञानिकों को सम्मान दिया जाता है जबकि पाकिस्तान में वैज्ञानिकों की कोई कद्र नहीं। पाकिस्तान के समझदार लोगों का मानना है कि भारत ने अपने एजुकेशन सिस्टम को इस काबिल बना लिया है कि आज वो अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत का इसरो उनके देश की स्पेस एजेंसी सुप्रेको से बाद में बना था, लेकिन आज वो कहीं आगे है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, जिसका जवाब खुद पाकिस्तानियों ने दे दिया। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि सुपरको का चीफ कभी किसी वैज्ञानिक को बनाया ही नहीं गया। आज का चांद बेहद खास है। आज फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों एक साथ पड़ रहे हैं। जी हां, इस खगोलीय घटना को सुपर ब्लू मून कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, आइए आपको समझा देते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चांद एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी और चांद की दूरी हर दिन बदलती रहती है। जब चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उसे पेरिजी कहते हैं, और जब पेरिजी और पूर्णिमा पड़ जाए तो उसे सुपर मून कहा जाता है। सुपर मून के वक्त धरती से चांद आकार में सामान्य दिनों से 40% ज्यादा बड़ा और 30% तक अधिक चमकदार नजर आ सकता है। हम आपको बता दें कि सुपर मून तो आपने समझ लिया, अब आपको बता देते हैं कि ब्लू मून क्या होता है। जब एक महीने में दो बार पूर्णिमा पड़ जाए तो इसे ही ब्लू मून कहा जाता है। इस महीने 1 तारीख को पूर्णिमा थी, अब आज भी पूर्णिमा पड़ रही है। इसका मतलब आज फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों पड़ रहे हैं, इसलिए आज के चांद को सुपर ब्लू मून कहा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सुपर मून कहां कहां दिखाई दे रहा है। भारत में सुपर ब्लू मून सूर्यास्त के बाद दिखाई दे रहा है, लेकिन रात 8:37 से 9:35 तक ये ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन में भी लोग सुपर मून देख पाएंगे। देशभर में आज रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल की बच्चियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बच्चियों ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चियों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में बच्चियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। सुमंगला योजना के संवाद कार्यक्रम के दौरान बच्चियों ने सीएम योगी को राखी बांधी। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर जवानों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। सांबा सेक्टर में स्कूली छात्राओं ने बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी सीमा पर तैनात जवानों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। स्कूली छात्राओं ने ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के जवानों को राखी बांधी। बिहार के कैमूर जिले में पेंटिंग आर्टिस्ट अमरीश पुरी ने चंद्रयान 3 के मॉडल पर 32 स्क्वायर फीट की राखी बनाई और इसे पीपल के वृक्ष पर बांधकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिशों को आज तगड़ा झटका लगा। मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक से ठीक पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। मायावती ने एनडीए और आईएनडीआईए दोनों गठबंधन को गरीब विरोधी करार दिया।
मायावती ने ट्वीट किया कि एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी जातिवादी सांप्रदायिक धन्ना सेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। मायावती ने साफ किया कि बीएसपी लोकसभा और चार राज्यों में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वो बार बार भ्रांतियां न फैलाएं। मायावती के ऐलान के बाद उन्हें विपक्षी गठबंधन में लाने की कोशिशें दम तोड़ती दिखी, जिसके बाद विपक्षी नेताओं के सुर भी बदल गए। मायावती जी को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, अभी ट्वीट करके वो कहीं कि हम नहीं साथ में रहेंगे इंडिया के। दरअसल कल से मुंबई में इंडिया गठबंधन की दो दिनों की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में देश के कोने कोने से पहुंच रहे विपक्षी दलों के नेता लोकसभा चुनाव का रोडमैप तैयार करेंगे, जिसकी मेजबानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना कर रही है। बैठक में आईएनडीआईए गठबंधन का लोगो भी लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। तैयारी पूरी हो गई है, शिवसेना इज द होस्ट ऑफ द इंडिया अलायंस मीट, लेकिन कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये सब हमारे साथ है। बैठक के लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव कल से ही मुंबई में हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी अहम है, जिसमें कई मुद्दों पर विचार होगा। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन के संयोजक के नाम पर भी विचार हो सकता है। हालांकि विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। फिलहाल गठबंधन के साथियों का पूरा जोर चुनाव के लिए फाइनल रोडमैप तैयार करने पर है। सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीजें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, जो हमारा मेन प्लैंक होगा जिसपे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। चूंकि चुनाव करीब हैं और मध्यावधि चुनाव की भी अटकलें लग रही हैं, इसलिए विपक्षी नेता विवादित मुद्दे उठाने की बजाय संविधान की रक्षा और एकजुटता का मुद्दा उठा रहे हैं। आपस में बैठेंगे और देश को बचाने की सोचेंगे, ये नहीं कि कौन ये करेगा कौन। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है कि देश आगे कैसे चल सकता है, यूनाइटेडली कैसे चल सकता है, और हमारा जो आईन है उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है। मुंबई की बैठक में चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का फोकस हर हाल में बीजेपी को हराने पर है, इसलिए केंद्र सरकार पर हमलों का दौर बैठक से पहले भी जारी रहा। सवाल ये है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, और बीजेपी को नहीं हराया तो मैं आपसे आज कह के जा रहा हूँ वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। मुंबई की बैठक से पहले गठबंधन के ज्यादातर घटक दलों ने एकजुटता की वकालत की, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को पीएम बनाने की मांग उछाल दी गई। मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने नसीहत दी कि वक्त से पहले किसी का नाम सामने लाने से गठबंधन में दरार पड़ सकती है। मामला किसी एक शख्सियत का नहीं है जी, बल्कि पूरा अपोजिशन इसमें लगा हुआ है कि यूनाइट होकर, और मतलब ये कि जो फैसला लेगा वो सही भी होगा और सब मानेंगे उसको, इसलिए वक्त से पहले किसी के चेहरे को सामने लाना जो है इसमें फूट पड़ जाएगी। विवाद बढ़ा तो देर शाम आम आदमी पार्टी ने प्रियंका कक्कड़ के बयान से किनारा कर लिया। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के घटक दलों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शरद पवार भी मौजूद थे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद के कई विकल्प हैं, लेकिन बीजेपी के पास क्या विकल्प है? हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है, सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है? जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी चुनाव जितना है, क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको, लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए, तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है। Z News.